सीरियल जीजी माँ में रावत परिवार ने फाइनली ली है राहत की सांस। सुयश के पापा अपनी बीमारी से काफी जल्दी रिकवर हो रहे हैं। आज पूरा परिवार नाश्ता साथ में कर रहा है एंजॉय। और तभी सभी को पता चलता है कि गायत्री घर छोड़कर चली गई है, जिससे फाल्गुनी और सुयश काफी अपसेट हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ सुयश और फाल्गुनी के बीच की नाराजगी धीरे धीरे ही सही पर कम होती नजर आ रही है। आज सुयश और फाल्गुनी बिल्कुल पहले की ही तरह एक दूसरे के साथ प्यार भरी बातें करते नजर आ रहे हैं। शायद तभी तुम मेरे सारे गाने सुन रही हो, मेरा गुस्सा सुन। जब से शादी हुई है मैंने एक बार भी तुमसे प्यार से कहा, तुमने हमेशा मेरी खुशी के बारे में सोचा। लेकिन इसी बीच इन दोनों के प्यार में पड़ जाता है खलल, जहां घर के सर्वेंट इन दोनों के प्यार भरे पलों को तोड़ देते हैं और ये सब नियति छिप छिप कर देख लेती है। अब तो नियति को भी यकीन हो गया है कि घर की चार दीवारी में सुयश और फाल्गुनी के रोमांस पर कोई ना कोई फुल स्टॉप लग ही जाता है। तभी तो नियति ने दोनों के लिए आने वाले एपिसोड्स में एक स्पेशल डेट प्लान की है। चलिए अब फाल्गुनी और सुयश से भी जान लेते हैं आने वाले प्रपोज सीन के बारे में, जिसमें ये दोनों काफी रोमांटिक अंदाज में नजर आने वाले हैं। पता नहीं ऐसे हम लोगों ने प्रपोज सीन तो पहले स्केटिंग का एक शूट किया था, एक कर चुके हैं, बट हाँ वो ऐसा था कि आज प्रपोज किया और कल ब्रेकअप हो गया। तो हमें भी पता नहीं है, हमें पता लगा लेकिन एग्जैक्टली क्या है वो पता नहीं है, तो देखते हैं शूट करते हुए। नाराजगी कायम है इनकी मेरी तरफ, हाँ मतलब पूरी तरीके से गई नहीं है और तो वो मुझे देखना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा कि किस तरीके से कम्प्लीटली मैं ये चलो कोई बात नहीं जो हो गया बट ये बात एक्सेप्ट करेंगे मुझे फिर से। ये जीजी माँ ये इतनी आसानी से मानने वाली नहीं है। आप नहीं मान रहे हो, मैं तो मानी पड़ी हूँ। अरे मतलब तुम गलतियाँ तो तुम करोगी ना, गलतियाँ तो तुम करती हो। अच्छा ठीक है। वेल इन दोनों का मिलना तो लगभग तय है, लेकिन क्या अब उत्तरा देवी फिर से इन दोनों के बीच ठीक होते हालातों को बिगाड़ने में कामयाब हो पाएगी, इसकी अपडेट यू मेओ टीवी आपको जल्द ही देगा। मुंबई से अक्षय अगबानी सिद्दीकी, E24।